नमस्कार मित्रों, बहुत दिन से इस विषय पर चर्चा करने को था कि एक तथ्य हमेशा सामने रखा गया। लोग कहते रहे कि कांग्रेस चाहती तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकती थी। मैं केवल आपको एक पत्र जो भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले अपने पिताजी को लिखा था, मैं वो पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप फैसला करिएगा क्या वाकई भगत सिंह खुद अपनी रिहाई चाहते थे या नहीं। एक और पत्र जो उन्होंने पुलिस अधिकारी को लिखा वो अंग्रेजी में है और अपने पिता सरदार किशन सिंह के लेटर हेड पर है। उसमें पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी के वक्त बरामद वस्तुओं को लौटाने और मिलने की बात का जिक्र है। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की मांग की। पिता द्वारा दी गई अर्जी से भगत सिंह की भावनाओं को भी चोट लगी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर अपने सिद्धांतों पर जोर देते हुए उन्होंने 4 अक्टूबर 1930 को यह पत्र लिखा जो उनके पिता को देर से मिला। 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। भगत सिंह को केवल एक चीज चाहिए थी और वो चीज थी फांसी। 4 अक्टूबर 1930 को वो पत्र में लिखते हैं कि मुझे यकीन है अपने पिता के लिए कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे ये बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही मैंने अभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशविरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूं। अब आप ये सोचिए कि जो भगत सिंह केवल फांसी चाहते थे, क्या वो एक कांग्रेस, एक गांधी या नेहरू की अर्जी से देने से क्या वो अपनी रिहाई स्वीकार कर लेते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भगत सिंह का मार्ग केवल एक मार्ग है कि जी हाँ, मैंने ये काम किया है और इसकी जो सजा है वो मुझे चाहिए। बचाव पक्षी नहीं है वहां, तो वहां है ही नहीं कि मैंने काम नहीं किया। वकील का प्रयोग वो झूठ बोलने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल कार्रवाई के लिए कर रहे हैं। बाकी सारी दलीलें वो खुद दे रहे हैं कि उनकी क्या सोच थी। ये है भगत सिंह की सोच, जिससे भारत की सारी राष्ट्रीय क्षेत्रीय जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सारी पार्टियां उनसे दूर रह जाते हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भगत सिंह के जन्मदिन को उस स्वर्णिम इतिहास तक नहीं बना सकती। अभी शहीद का दर्जा तो हम दिलवा नहीं पाए हैं। भगत सिंह की बात कर लेना आसान है, भगत सिंह की हम भगत सिंह को मानते हैं ये कह लेना आसान है, लेकिन हाँ, ये कार्य मैंने खुद किया है इस सोच को अपनाना और भगत सिंह को दिल से अपनाना, अभी ये भारतीय राजनीति में किसी भी दल के बस की बात नहीं। धन्यवाद।